हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है और सेकेंडली जो हमने पढ़ना है वो स्केलर मैट्रिक्स पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर अ स्केलर मैट्रिक्स ए इज सेट टू डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। तो इसमें वो कह रहा है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होंगी और बाकी की जो हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी वो हमारे पास क्या है यहाँ पर ज़ीरो होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो स्केयर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्केयर मैट्रिक्स होता क्या है, तो स्केयर मैट्रिक्स को पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो स्केयर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो जो भी हम मैट्रिक्स लेंगे डायगोनल के लिए उसमें हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल्स टू 2 0 0 0 1 0 0 0 and 4। तो ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं हमारे पास क्या हैं जी, सेम है। तो स्केयर मैट्रिक्स तो ये हो गया हमारे पास। अब हमने इसमें चेक करना है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो कौन सी बन रही हैं। तो याद रहे कि डायगोनल जो है हमेशा लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है और मैट्रिक्स के एंड कॉर्नर तक जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये यहाँ से हमारे पास ये एंट्रीज जो होंगी ये सारी कौन सी एंट्रीज होंगी, डायगोनल एंट्रीज होंगी। और रेस्ट ऑफ द एंट्रीज जो है हमारे पास जो ये बन रही हैं, ये वाली, ये और ये वाली, इसी तरह ये हमारे पास इसके ऊपर जो बन रही हैं, ये एंट्रीज जो हैं हमारे पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरो होंगी। तो वो हमारे पास मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं, एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। उसमें है हमारे पास 1 0 0 and 3। अब ये वाला अगर हम मैट्रिक्स देखें तो ये हमारे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो ये वाली बन रही हैं और वो हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो है जी स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम डिफाइन कर लेते हैं जी, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है हमारे पास, कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, ये मैं मेंशन कर देता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और वो कब स्केलर होगा, आगे अब बात कर लेते हैं जी। स्केलर वो उस वक्त होगा इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी कि उसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन आ गई स्केलर मैट्रिक्स की। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को प्लीज़ अब सब्सक्राइब भी कर दें, अगर यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई है तो। कर लिया सबने सब्सक्राइब, चलें जी, ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं जी, ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू K0 0 0 K0 0 0 and K। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
अब डायगोनल मैट्रिक्स को अगर देखा जाए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्केयर होना चाहिए। ठीक है, स्केयर के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन आ गई। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज जो है हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। वो भी हमारे पास क्या है जी, नॉन जीरो है। अब स्केलर मैट्रिक्स की जो कंडीशन आती है वो क्या है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं हमारे पास, ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें एग्जांपल में, तो डायगोनल एंट्रीज जो हमारे पास बन रही हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज बन रही हैं ये हमारे पास क्या है, सेम बन रही हैं। ठीक है, और रिमेनिंग एंट्रीज जो है हमारे पास क्या है, वो जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है जी, स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसकी एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं जी, बी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू 3 0 0 एंड 3। ये हमने 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया जी। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिलता रहे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।